अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, शुक्र अल्लाह का आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो प्लीज़ मेरी हालत पे मत जाएं, आई नो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है इस वक्त, वो इसलिए क्योंकि मुझे जाना है आज मार्केट और मेरा दिल नहीं था हेयर वॉश करने का, तो मैंने सोचा प्रेसिंग करा लेती हूँ। मैं कल आ गई थी अम्मी के घर पर क्योंकि मुझे अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो अभी मैं बस मैंने आईब्रोज कराई हैं अपनी, आप देख सकते हैं, अपर लिप्स कराई हैं, आईब्रोज कराई हैं, आगे की सारी चीज़ें मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। इस मेरी प्रेसिंग हो चुकी है डन बस अभी मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊँ लेकिन सैलून में यहीं पर ही आऊँगी। मैंने शावर ले लिया था घर आके, मतलब हेयर वॉश नहीं कहते क्योंकि आपको पता है मैं प्रेसिंग करा के आई हूँ, मेरे बाल बहुत ज़्यादा मैसी हो रहे थे इस चक्कर में, और मैंने थोड़ा सा अपना मेकअप कर लिया है जो भी मुझे करना था, और अब मैं जाने के लिए बस अपना बुरखा पहनूंगी। अब देख लो अफशा कितनी मेहनत कर रही है मेरा, शायद मैं उसका पूरा रेडी कर रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, आपकी मोहब्बत में मैं कितनी शिद्दत से मेहनत कर रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से मैंने अपना वजन कम किया है तो मैं चाहती हूँ आप लोगों का भी हो जाए। तो मैं बहुत मेहनत से ये काम करती हूँ, बहुत शफक्कत से और बहुत दुआओं के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह ताला जितनी भी मेरी बहनें मेरे भाई मोटे हैं उन सबको पतला कर दिया। तब से ने अपना 15 किलो वजन कम कर लिया माशाल्लाह से, आप देख सकते हो इसको। वो तो मैं बहुत उससे खाती हूँ गाइस क्योंकि डाइट वाइट तो मैं लेती नहीं, आपको पता है मैं तो सीधी सिंपल लड़की, मैं एक गरीब, बस वही रोटी, दो रोटी सुबह दो रोटी शाम मुझे मिलती है। ठीक है चलो आज के लिए बहुत है, मैं लेट हो रहा हूँ, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रही हूँ? मार्केट। तो जैसे आप लोग इनसे हो गए बहुत परेशान तो आप लिख क्या करें कि अफशा ऐसे कराओ ऐसे कराओ, तो आपकी सारी डिमांड इंशाल्लाह मैं पूरी कराऊंगी क्योंकि इन लोगों को आप कितना भी कहते रहो ये बहुत बदतमीज़ है। जो कैमरा मैन है वो सबसे बड़ी बदतमीज़ है, वो बहुत सुस्त है, वो आपको आधी चीज़ दिखाती है आधी नहीं दिखाती, तो मैं हर बार उनको यही सब कहती हूँ। और मेरा काम है आप लोगों के मैसेज को पढ़ना और इन तक पहुँचाना, तो आप ऐसा ना समझे कि आपके मैसेज देखे नहीं जाते, आपकी बहन अक्षर देखती है। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक भाई का बिजनेस है जो ये आपको दिखाएंगी, तो उसके लिए मैं प्रचार कर देती हूँ। तो गाइज आजकल उस स्टोर पर मैं बैठ रही हूँ तो आपको हर एक चीज़ मिलेगी बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त रीजनेबल प्राइस, मतलब सस्ते थोड़ा से कम दामों में। देखो गाइज मेरी इंग्लिश अगर गलत हो जाए तो आप मुझे वो भी बता देना। तो गाइज मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, कल गली में बट रहे थे पर्चे, वो मेरा बेटा लिया है कुछ, वो आ रहा है क्या आ रहा है चिल्ड्रन थे, तो मैंने उसको बहुत डांटा, तो मेरी भाभी और वो शिद्दत से मेहनत कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को किसी भी चीज़ से ना रोकें बिल्कुल भी मेरी तरह। तो मेरे बच्चे का उसमें नाम आ गया, फिर मेरे पास वहाँ से कॉल आई, बहुत बड़े एक किसी मॉल में उन्होंने मीटअप रखा, पर बदनसीबी ये थी कि मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, वहाँ जाना था माँ और बाप को, तो थोड़ा सा मेरा दिल भी मायूस हुआ टूटा। और हाँ वैसे ये वाली बात अधूरी रखती, मैं आपको बताना चाहती हूँ आप मेरी लाइफ से जुड़ी हुई हर एक चीज़ जानना चाहते हो तो हमारे फॉलोवर्स बढ़ाओ, थोड़े से और लोग आओ, मोहब्बत दिखाओ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, फिर मजा आएगा ना अपनी स्टोरी बताने में। बताओ जिस स्टोरी से पूरी जिंदगी मेरी बर्बाद हो गई गाइस, आप चाहते इतने कम लोगों में बता दूं? नहीं, क्योंकि उसमें कुछ तमाशेगार होते हैं, कुछ बेचारे समझ लेते हैं। तो मैं बहुत सारे लोगों में अपना ये दर्द बताना चाहती हूँ कि मैं क्यों सिंगल हूँ और क्यों मैं यहाँ पड़ी रहती हूँ, तो ये सारी बातें मैं आपको जब बताऊंगी जब आपकी मोहब्बत मुझे पड़ती हुई दिखेगी। तो इसलिए इस मोहब्बत को ज्यादा से ज्यादा मजीद बढ़ाएं और लोग जोड़े अपने साथ, फिर मैं आपको सारी एक बात बताऊंगी इंशाल्लाह, कुछ भी आपसे नहीं छुपाऊंगी। और बस मेरे लिए दुआ किया करो और मेरे बच्चे के लिए दुआ किया करो, मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ। और बस देखो इतनी बिजी रहती हूँ शायद उसके मैं आपकी मोहब्बत में कि मैं फ्लैट तक पे नहीं जा पा रही हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ भी मिलने वाली हूँ आपको। तो गाइस इस तरीके से मोहब्बत दो, अभी मैं काम कर रही हूँ। हमने कैब का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया लेकिन कैब आई नहीं, तो फिर हम ऑटो से ही निकल गए आज क्योंकि हमें बहुत लेट हो रहा है। ऑलरेडी हमें 4 बज गए और अभी थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है, पियर्सिंग भी करानी है और फिर वापस आके मेहंदी भी लगवानी है, सारी चीज़ें करनी है, तो बस अब हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं। सेल्स एंड ऑल जो भी चल रहा होगा यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ।
आप देख सकते हैं दिवाली की कितनी जबरदस्त सी मार्केट लगी हुई है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे बैग्स हैं एंड रंगोली के कलर्स भी हैं। अपनी तो बेचती तो कराई थी, इधर भी सारी चीजें करा रही हैं। तो अभी मैं देखती हूँ हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। अभी हम थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद लेंगे, है ना लीना? इनका दुपट्टा ही नहीं सेट होता। नहीं ना पास इधर तो घूम जाओ। तो गाइस मैं पहले जा रही हूँ अपनी पियर्सिंग के लिए। वाओ कितनी प्यारी प्यारी। ये वाले तो पैक कर दो आप हम अली ना वाला लुक भी कर सकते हैं। कौन सा लुक? कौन सा वाला? कौन सा वाला? हाँ वो वाला पैक कर दो आप भैया। गाइस आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी एंटीक ज्वेलरी मिल रही है, वो भी रीजनेबल प्राइस में। देख सकते हैं दिवाली का कितना प्यारा प्यारा सामान यहाँ पे मिल रहा है दोनों साइड पे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। अभी तुम वैसे पूरे पूरे वो भी बना सकती हो जीन्स के साथ, यहीं से ही सेट ना। हाँ सेट यार, एक दो शॉर्ट्स और निकालना। इसमें साइजेस मिल जाएंगे आपको, कलर ऑप्शन मिल जाएगा, साटन शर्ट मिल जाएगा आपको, ब्लैक मिल जाएगा, ब्लैक ब्लैक नहीं ब्लैक है सेम, एक आपको एक ब्लू मिल जाएगा, एक जिसमें आप इसको अभी इसमें साइजेस मिल जाएगा जो आपके हाथ में आ रहा है। एक शर्ट भी बहुत अच्छा है कि टाइगर प्रिंट्स में भी बहुत सारी शर्ट है, इसमें साइज मिल जाएगा, एक ब्लैक एंड ब्लैक मिल जाएगा, सब काफ़ी काफ़ी ओवर साइज की शर्ट मिल जाएगी। लग रही है।
देख सकते हैं मैंने यहाँ से ले लिए दो जीन्स अपने लिए और दो टी शर्ट, और यहाँ पे प्राइजेस वगैरह सब फिक्स रहते हैं, लेकिन आपको H&M की, ज़ारा की, सब की ड्यूप्स यहाँ मिल जानी है। आपने ज़रूर यहाँ पर आना है। ये नई न्यू शॉप ओपन की है इन्होंने, ये देख सकते हैं आप। पाली से नहीं होता है, स्ट्रेस से होता है बच्चे के पास। क्या हुआ? कुछ नहीं गाइस, मैं अपनी सबसे ऊपर वाली जो है वो चेंज करा रही हूँ, और मैंने और भी ड्रेस करानी है अभी सेकंड वाली शॉप पे जाकर। नहीं, मैं मम्मी को सरप्राइज करने वाली हूँ आज, मामा को। छपरी लड़की बनेंगी घर से, मुझे वो लोग छपरी लगते हैं जो कुछ भी सिलवा लेते हैं कान के अलावा। बहुत बहुत बारीक सा वो कराऊंगी, ऐसा लगेगा जैसे वो है, मतलब टेल है कुछ वाइट कलर का। जी बहुत बदतमीज़ हो रही है आजकल, इनको कुछ बताती हूँ जब भी नहीं दिखाती, मतलब दिखा दो कितना प्यारा लग रहा है। मॉल के बिल्कुल सामने एक ये वाली गली है जहाँ पे स्टेला टॉयज है, और यहाँ पे आपको बहुत सारी सारी बहुत अलग अलग वैरायटी के कपड़े, टॉप्स, जीन्स, हर कुछ मिलने वाले है। तो मैंने सोचा एक चक्कर इस गली का लगा लिया जाए, देख सकते हैं आप। पर इनमें से मैं कुछ नहीं गई हूँ, यहाँ बहुत ही प्यारे प्यारा कलेक्शन आया हुआ है। और इनकी प्राइसेस क्या है? 1900 का है। कमला नगर की बैक साइड पे आ गए थे थोड़ा सा सामान वगैरह लेने के लिए, अब उसके बाद सारा वहीं से लिया है, बहुत सारा सामान वहाँ से लिए। अब हम वापस जा रहे हैं उधर की साइड पर ही, और हमने रक्षा कर लिया क्योंकि आपको पता है कि मुझे कितनी मुसीबत आती है पैदल चलने में, इसीलिए हमने रक्षा कर लिया। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं वापस मैकडॉनल्ड की साइड वाली जो मार्केट है, उस वाली मार्केट के अंदर। गाइस आप देख सकते हो और भी ज़्यादा रश, और भी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है अब यहाँ पर। गाइस ये मेरी बहुत पुरानी शॉप है जहाँ मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ, और ये इनकी सारी कलेक्शन एक नंबर होती है, शॉप नंबर कमला नगर में E120 इनका शॉप नंबर है। यहाँ पर आए तो ज़रूर विजिट करें इनकी शॉप पे, बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन आप देख सकते हो। मैं दिखाती हूँ उधर,
माशाल्लाह काफ़ी सारी हमने शॉपिंग अपनी कर ली है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छे खासे हमारे पैसे भी खर्च हो चुके हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि घर जाया जाए वापस, क्योंकि मुझे मेहंदी भी लगवानी है अभी, कल एक बहुत अच्छा मेरा कुछ होने वाला है, उसकी तैयारी कर रही हूँ मैं ये सारी। हमारा ऑटो आ गया है और हम निकल गए अपने घर के लिए। A few moments later. घर आके मैंने सारे सामान वामान रखा, थोड़ा सा पानी वानी पिया, आराम किया, और अब मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। और मेहंदी लगवाने के लिए भी जा रही हूँ बुशरा के घर पर। आज आपको बुशरा की फैमिली से मिलाऊंगी, बुशरा मेरी दोस्त है, शी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस गर्ल एंड सच अ स्वीट ब्लॉगर ऑल्सो। तो हम वहीं जा रहे हैं, वहीं जाके वीडियोज वगैरह बनाएंगे। सबसे बड़ी फैन तो जरा की है, देखो भाई साफ बात है। हाँ, पुराने ब्लॉग देखने लग जाते हैं। सही वाला जवाब आंटी दे, और सारे जवाब मैं, क्योंकि मेरे जो ना आईडी में मैंने वो नहीं लगा रखा। अच्छा, किस नाम से मेरी आईडी? नेहा नाम से। ये आप शाबाजी की तरह आए हैं, हेटर्स हो जो आप देख के। सही है या मुझे आप शाबाजी का नहीं नहीं ठीक है, फिर मेहंदी लगवा के पहनूंगी ऐसे। हां नहीं सूख जाएगी वो तो बेटा, आ तो आज सूख जाएगी। ये वैसे पूरी है जरा अरे खिंचवाओ यार, बहुत अच्छी। हाँ अब ठीक है, हो गया। और सेंड कर देना, सेंड कर पैसे लगेंगे दे दे तो कुछ नहीं है। नहीं आने चाहिए मेरा वीडियो बनाने लाओ, मैंने भी खेल चमटी वाली हालत किसी को दिखाना है। हां इसको जरा के हेटर्स को दिखाना है, हजरों के हेटर्स तो मुझे बहुत ही बुरे लगते हैं, बहुत ही बुरे लगते हैं। और तुम्हारे खुश होते हैं ना, तुम्हारे मेरी बेटी को खूब तरक्की दे। और मैं तो सोचती थी वीडियो में अच्छी लगती है, तो रियल में और ज्यादा रियल में बड़े बड़े लोग। और ये लेजी लोग इतने फेमस हो गए भी व्लॉग नहीं बनाते, इनके पास सिल्वर बटन है, उनके पास है फिर भी ये व्लॉग नहीं बनाते। कितनी गलत बात, तुम्हारे कितने हो गए उस पे यूट्यूब पर? माशाल्लाह 2 लाख से ऊपर हो गए, 2000 हो जाएंगे। तुम छोड़ डालो, वो जो बोल रही हो ना, ये बहुत मुझे नहीं अच्छा लगता। नहीं, बहुत प्यारा लग रहा है। ये आंटी पता नहीं क्यों भाग रही है इधर से उधर, ये मैंने खरीदा, मेरे को अच्छा नहीं लगा। वो नहीं था वो चिंदी चोर वाली, बहुत अच्छा। तो गाइस इस रात के मेहंदी लगने हो गई स्टार्ट। ये बुशरा ने हमारे लिए सारा एहतमाम किया हुआ है, हुक्का रेड बुल हम पी चुके हैं गाइस। यारी गाइस बुशरा पी को प्ले बटन मिला हुआ है, सिल्वर प्ले बटन। सॉरी गाइस मेरी जुबान पे मत जाना, ये बहुत फिसलती है, कहीं भी फिसल जाती है। क्या बुशरा का? लेकिन ये बहुत हाल का सीन है गाइस, ये ब्लॉग नहीं डालती वरना ये अच्छे मकाम पर पहुंच जाए। अभी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन और लेकिन और करेंगी तो इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगी। इन्हें भी मेरी जरूरत है गाइस, एक एजुकेशन की जरूरत है मुझे ब्लॉग बनाने। हां ये है, लेकिन ये मैं बनाऊंगी ना फिर मेरा तो फिर कुछ और ही बनेगा, आज तो वायरल हो जाएगी बनाती हूँ। मेरी बहनी अरे अपने फोन पकड़ा पकड़ा के उठा जाती हूँ, कितनी केयरिंग सिस्टर है। हाँ, अब तो मजरा आपके ब्लॉग में आओगी। हाँ
तो क्या ये बहुत प्यारी खाला है। आपने पहले इतना अहतमाम कर लिया, हम लोग इतना परेशान हुए। आप परेशान नहीं बुरी, हम तो बहुत खुश हो रहा हमें मिल जाए। हाँ वैसे तो तुझे कुछ मिलता नहीं है। नहीं नहीं यार थोड़ा बड़ी, मैंने सर पर दुपट्टा ओढ़ लिया, वरना आज लगेगी मुझे भी दे दो, वरना कहेंगी तुम्हारे पास दुपट्टा नहीं था। हम लोग करते हैं ना, तुम्हारे पास दुपट्टा भी नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? आओ ये तो जो पूरा आ रही है, पता नहीं क्या मुझसे काम रहता है। मैं पिज्जा नहीं खाती। आफ्टर लॉन्ग टाइम गाइस आंटी आई गई हमारे पास। हमने आंटी को पका दिया था सीक्रेट था। बाबू बहुत सीक्रेट था। नहीं डाल, वो अजरा को दे। मैंने खा तो लिया। ले बाबू तू खाएगी क्या? मैंने आंटी ले लिया, ये ले पिज्जा। एक लेने की हो रही है, एक लेने की नहीं दो लेने की हो रही है। तो अच्छा रख दो, अभी ले लूंगी। बड़ा छोटा वाला दो कुछ, या इसमें से हाफ कर दो। अम्मी वो दो, बड़ा ही तो अच्छा लगता है, छोटे की ले रही है। अम्मी ब्लॉग चल गाइस, यहां लग रही है अलीना, यहां लग रही है मेहंदी, यहां लग रही है अलीना की मेहंदी इंगेजमेंट वाली। अच्छी लग रही है अपी, बहुत प्यारी आपने लगवा दी है। मिला, बड़ा एहसान है आपका। अब जब भी छोटे की आ जाना, ये एहसान हम बार बार करते हैं। आप ये थोड़ा ऊपर ही खा। आयशा अपी लड़ रही है इनसे, तूने आज तक मेरे तो ऐसे नहीं करी। कैर मेरे को नहीं कुछ करने वाली। अननोन, हेलो यार अननोन कौन, मत करा करो प्लीज। कौन सही कह रही हूँ, मेरी भी कौन बोल रहे हैं? जब मेरे वीवो वाले फोन पे किसी का फोन आता है तेरा सट फोन नहीं करता। हेलो आशा के तो गाइस इजरा अपी की मेहंदी होने वाली है डन, अभी हुई नहीं है, होने वाली है। ब्रेक लेना पड़ेगा, उसके बाद खाना पड़ेगा, फिर दोबारा लगेगी। और जब से हम आए हमें खिलाई जा रही, खिलाई जा रही। और इन्होंने कुछ नहीं खाया है गाइस, ये सरासर झूठ बोल रही है। कुछ खाया आपने तो भी देखा, इन्होंने कितना कुछ लगाया था बहन। वो भी अम्मी की जिंदगी में आप तो मेरे बहुत प्यारे भाई सुभान, दिल में रहते हैं। हां देख तो लो, देखो इनकी स्टोरी है ये। हां ये लगाते हैं मेरे प्यारे भाई। गाइस खाना लग गया है, अब हम खा रहे हैं खाना। उतारो तुम, उतारो, देख सकते हैं आप कितनी मेरी देखी ना मेहंदी उतर रही है खाने में। रुक जाओ फिर मैं उतारती हूं। लो हो गया फिर। बेटा बुशरा आओ, तुम भी आंटी नहीं आ रही। तो गाइस आप देख सकते हैं, मुझे देखो मैं कितनी श्रीम श्रीम टिरिम हो गई हूँ अजरा की दवाई से। तो आप भी लीजिए प्लीज, जल्दी जल्दी ऑर्डर कीजिए। आंटी 3 महीने से ले रहे हो आप दवाई? हाँ 3 महीने। नहीं बेटा मुझे तो 15 दिन में असर दिख गया था। गाइस अजरा की दवाई सच में बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं बहुत भैंस थी और मैं सच में अब पतली हो गई, जो कपड़े मेरे पहले नहीं आते थे ना वो अब आने लगे। और तो प्लीज आप लोग भी ऑर्डर करो। नहीं है नहीं, इसको तो ऐसी दी है कि इसका वजन ही नहीं बढ़ता। जाओ जाकर ऑर्डर करो, ये 15 दिन में आपको सच में रिजल्ट देगी, पक्का प्रॉमिस है हमारा। लव यू बेटा, गाइस आप देख सकते हैं इतनी प्यारी आंटी किसी को भी नहीं मिल सकती। इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको पता है मैं कहीं जाती नहीं हूँ, पहली बार बहुत हिम्मत करके कहीं आई और आंटी बहुत अच्छा और हमें इतना अच्छा लगा, हम तो पागल हो गए। मैं सगे रिश्ते सलमान खान की बीवी आ गई, हमें ऐसा लगा सलमान खान की बीवी आ गई, समझ गए? समझदार है लोग, कुछ ज्यादा वो बिना कहे तो समझदार है। ये अजरा की तरह माशाल्लाह हीरोइनों वाली आवाज तो मेरी है नहीं, वो सूखे डाल दो। फाइनली आ गई है हमारी मन पसंद और ये बहुत खिदमत गुजार लड़की है, बहुत शर्मीली, बहुत सीधी, बहुत स्वीट, पूरे बस किचन में ही रहती है ये, बहुत खिदमत करती है सबकी, हमारी भी बहुत खिदमत। और लास्ट में देखो ये हमारा फेवरेट चीज हमारे लिए लेकर आई है, ये हम सबकी जान है इनकी, माशाल्लाह ये बहुत काम करती है। हाँ मैं जब से आई हूँ ये काम ही कर रही है। आमीन गाइस इनकी शादी होने वाली है बहुत जल्दी। सामने नंबर बना लेते काम के ठिकाने, ये तो वैसे भी नहीं करती। ओके गाइस बाय बाय, लव यू, लव यू, मिस यू।